अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और टॉपिक्स रिवाइज कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो 5.1 था, आज हमारा 5.2.1 है और इसका टॉपिक है हमारे पास 5.2 हमने ख़त्म किया, हम 5.2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है CPU रजिस्टर्स, बहुत ही अहम टॉपिक है हमारा कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के अंदर। CPU के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं, बेसिकली जो डाटा हमारा जो प्रोसेस हो रहा है वो CPU के अंदर सारा का सारा हो रहा है, और CPU जो है वो जितनी भी चीज़ें हैं उनको स्टोर करता है, उनको सॉल्व करता है, उनकी डिफरेंट लोकेशंस बनाता है, उनके ऊपर एड्रेस लगाता है और उनको फिर डिफरेंट पार्ट्स को देता है। लेकिन CPU अपने अंदर जो जिन कामों को अपने ही खुद से सॉल्व करता है उनमें, और डाटा को जो अपने पास रखता है जिस लोकेशन में वो रखता है उसको हम रजिस्टर्स का नाम देते हैं। द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, जैसे कि आपको मालूम है कि मेन मेमोरी में डाटा सारा रखा जाता है ऑफ द कंप्यूटर, और कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, यानी बिल्कुल साथ साथ मेमोरी के लोकेशन होते हैं। द डाटा इज आल्सो लोडेड इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी, जब आप कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा को लोड करवाते हैं प्रोसेस होने से पहले उससे पहले स्टार्ट एंड देन कंट्रोल इज गिवन टू द, उससे पहले जो हम कंट्रोल है वो CPU को देते हैं। पहले CPU डाटा को प्रोसेस करता है, उसके ऊपर काम करता है, फिर वो मेन मेमोरी में स्टोर करवाता है। तो मेन मेमोरी से पहले CPU के अंदर जो डाटा किस तरह से रखा जाता है, किस तरह से उसको अकोमोलेट किया जाता है, उसके साथ क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और जो जहां पर रखा जा रहा है उनके नाम क्या है और उनके काम क्या है, ये सब हमें इसमें CPU रजिस्टर्स के अंदर पढ़। CPU नीड्स स्टोरेज एरियाज, जैसे कि आपको पता है कि रजिस्टर्स उसके स्टोरेज एरियाज हैं और यही उनको चाहिए होते हैं। वेयर द डाटा कैन बी स्टोर्ड, जो टेम्परेरी तौर पर डाटा को हम स्टोर करते हैं ताकि हमें अपना काम कर सकें, हम प्रोसेस कर सकें। जैसा कि हमें बहुत तेज़ी से काम करना होता है प्रोसेसर के अंदर, तो हमें डाटा की स्टोरेज के अंदर भी लोकेशन रखना और निकालना भी बहुत तेज़ी से करना पड़ता है। फॉर एफिशेंसी दी स्पेशल पर्पज टेम्परेरी स्टोरेज, जो हम टेम्परेरी तौर पर स्पेशल जो लोकेशन हम बनाते हैं स्टोरेज एरियाज को, उसको हम CPU जो हमें प्रोवाइड करता है फॉर एनहेंसिंग द, इससे क्या होता है CPU की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। बेसिकली जितना ज़्यादा हम अरेंज करेंगे डाटा को CPU के अंदर उतने फास्ट काम होगा। दी स्पेशल पर्पज स्टोरेज एरियाज आर कॉल्ड रजिस्टर्स, जो कहलाते हैं रजिस्टर्स कहलाते हैं, और किसके रजिस्टर्स है CPU के रजिस्टर्स, और क्या है जो डाटा को स्टोर करते हैं और उस पर मुटफट काम करते हैं CPU के अंदर। अब ये मेन मेमोरी की बात नहीं हो रही, उससे पहले हम CPU जो डाटा को प्रोसेस कर रहा है वो है इसके, जहाँ वो डाटा रखता है उस लोकेशन को रजिस्टर्स कहते हैं, जो कि आपको डायग्राम में नीचे थोड़ी ब्लैक वाइट लाइन्स नज़र आ रही है, उसकी मैं आपको एग्जांपल भी बना के दिखाता हूँ। मिसाल एक डाटा को हम ले लेते हैं, रजिस्टर को ले लेते हैं, तो डाटा इसके अंदर मौजूद है, कोई इसका नाम आपको मेमोरी लोकेशंस में आपको बताता हूँ उसकी। जी ये मैं रजिस्टर के अंदर कुछ लोकेशंस में डाटा स्टोर करवा रहा हूँ, डिफरेंट नाम का। अब देखिए आगे PC प्रोग्राम काउंटर, इसके अंदर एक चीज है, इसके अंदर हम जो सबसे पहले आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको एक रजिस्टर नजर आ रहा है जिसके साथ उसके ऊपर कुछ नंबर लगा हुआ है और साथ उसके अंदर कुछ डाटा रखा हुआ है, वही हमें यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। इसका एक पार्ट का नाम दिया है, इसमें जो डाटा पड़ा हुआ है EIP डाटा पड़ा हुआ है, उसका नाम हम बताएंगे क्या है, इसका EAB का क्या काम है, सारा उसको हम डिस्कस करते हैं। इसको कहते हैं प्रोग्राम काउंटर, ये एक छोटा सा कि प्रोग्राम को काउंट कैसे किया जाता है। दिस रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, बेसिकली प्रोग्राम काउंटर जो है ये इसके पास सिर्फ नेक्स्ट रजिस्टर का एड्रेस होता है और कुछ नहीं है।
होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन आनी है उसका एड्रेस, पहली का होने के बाद अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इसके पास मौजूद होता है। टू बी फेच, ताकि ये फौरन जब आप उसे कहें तो फौरन नेक्स्ट एड्रेस को उठा के ले आए मेमोरी की लोकेशन में, सिस्टम में डाल दे। एज सून दिस इंस्ट्रक्शन इज फेच, जिससे जब इसको हम लेकर आते हैं इट्स वैल्यू इंक्रीमेंटेड, तो इसके अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाती है, इसके अंदर 63 था तो 64 हो जाएगा। सो दैट इट स्टिल हैज एड्रेस ऑफ नेक्स्ट, इसका एड्रेस तो था ही था, अब जो ही हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए जाने लगे तो इसका एड्रेस नंबर हमने चेंज कर दिया, जो कर दिया 64 कर दिया। ये है जो कि प्रोग्राम को काउंट कर रहा है, एडिंग हर दफा एक एक रजिस्टर के अंदर नंबर ऐड करता जा रहा है, नंबर ऐड करता जा रहा है, ताकि इंस्ट्रक्शन कितनी इसमें आ गई ये भी पता चल जाए, और कौन सी नई लेके जाना है, कौन सी नई इंस्ट्रक्शन को लेकर आना फेच करना है उसको भी पता चल जाए। आगे है, इसको कहते हैं हम जी पीसी, प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट है आईआर जी, आईआर क्या, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो हमें इंस्ट्रक्शन देता है। वंस द इंस्ट्रक्शन इज फेच इट्स स्टोर्ड इन द आईआर, अब जो अगला जो काम है, जो इंफॉर्मेशन फेच करने के बाद रखना कहां है, वो आईआर के अंदर रखना है। किसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर इसको स्टोर कर दिया जाता है। वे दिस इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड, उसको वहां पर डिकोड करना है, समझना है, अपनी आम कंप्यूटर की जुबान में इसको डिकोड करना है। उसके बाद अगला काम होगा जी एम ए आर, ये हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, ये हमारा प्रोग्राम काउंटर हो गया, अब है एम ए आर। एम ए आर हमारा क्या जी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, कि ये मेमोरी का एड्रेस बताएगा। व्हेन द सीपीयू वांट टू स्टोर सम डाटा इन द मेमोरी, और अब देखिए डाटा कहाँ जाके स्टोर होना है, मेमोरी के अंदर, रजिस्टर के अंदर स्टोर नहीं हो रहा, इसे उसको प्रोसेस करवा रहा है, लेकिन स्टोर कहाँ हो रहा है, मेमोरी, तो मेमोरी के जहाँ स्टोर होना है इन द मेमोरी, और रीड और या पढ़ना है डाटा को, मेमोरी से स्टोर करवाना है या वहाँ से पढ़ना है, जैसे हमने कल लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। इट प्लेस द एड्रेस ऑफ द रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन, इसके अंदर एम ए आर के अंदर ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर उसका एड्रेस रख देता है, जिसका डाटा स्टोर करवाना है या वहाँ से जो पढ़ना है, इसका एड्रेस कहाँ पड़ा होता है, एम ए आर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर पड़ा होता है। आगे है जी, ये तो था जी एम ए आर, अब आगे आ रहा है एम बी आर, ये क्या काम करता है जी, मेमोरी बफर रजिस्टर। द सीपीयू यूज द रजिस्टर टू स्टोर डाटा कमिंग फ्रॉम द मेमोरी और गोइंग टू द मेमोरी। देखें ये एम ए आर से एम बी आर का कितना थोड़ा सा फर्क है, कि वहां पर तो क्या किया था कि डाटा मेमोरी को के अंदर जाने से में जो डाटा रखवाना और वहाँ से निकालना के लिए एम ए आर रजिस्टर हमने यूज़ किया था एम ए आर। अब एम बी आर क्या करता है, द सी पी यू यूज दिस रजिस्टर टू स्टोर डाटा कमिंग फ्रॉम, अब जो डाटा आया है उसको वहाँ एम बी आर बफर रजिस्टर के अंदर रख दिया जाता है, और जिसने जाना है इसको, इसने तो निकाला और इसने जहाँ डाटा जो आया उसको ले, इसको लाना और उसको रखना इसके अंदर रखा जाता है। अब हमारा बफर तक का काम हो गया, मेमोरी रजिस्टर का काम भी हो गया और मेमोरी बफर रजिस्टर का काम भी हो गया, कि डाटा को लाके इसके अंदर रख दिया हमने। अब आगे आ रहा है जी स्टैक पॉइंटर्स क्या होते हैं, हम आपको समझा रहे हैं अब स्टैक पॉइंटर, इसके लिए मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा नेक्स्ट। जिसे हम आमतौर पर स्टैक पॉइंटर, अब स्टैक पॉइंटर है क्या, हमारा टॉपिक है स्टैक पॉइंटर, अब आगे चल रहा है हमारे साथ साथ अगला जो आ रहा है। अब हमने डाटा उठा लिया और मेमोरी में से निकाल के अपने पास रख लिया, एम बी आर किसके अंदर रख लिया जी, मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर। अब हमारा अगला काम स्टैक पॉइंटर का क्या काम है, स्टैक पॉइंटर जी ये क्या करता है, स्टैक पॉइंटर टू अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ दिस रजिस्टर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर। अब हम स्टैक पॉइंटर को समझने के लिए इस जो डाटा जहाँ रखा जा रहा है उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, जो हमें आमतौर पर जिसे जी पी आर भी कहते हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर भी कहते हैं, जी पी आर जनरल पर्पज रजिस्टर, इसको समझेंगे तो हमें स्टैक पॉइंटर समझ आ जाएगा। उसके लिए मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको सारा समझ आ जाएगा काम कैसे हो रहा है।
ये 16 बिट का डाटा ले रहा है और ये 32 बिट का डाटा। 16 बिट वाले कौन कौन से हैं? ए एक्स है, बी एक्स है, सी एक्स है और डी एक्स है, और हमारे पास ए एच है, बी एच है, सी एच है और डी एच है। इधर ए एल है, बी एल है और सी एल है और डी एल है, और इनके अंदर क्या है जी? हमारे पास ए पी, एस आई, एल आर और एस पी। अब मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। यहाँ पर 32 बिट के अंदर भी देख लें, तीन डिजिट वाले हैं, ई ए एक्स है, ई ई एक्स है, ई सी एक्स है, ई डी एक्स है, ई ई पी है। ये समझने के लिए तो खैर दो चार भी काफ़ी हैं, लेकिन मैं आपको सारे बता रहा हूँ। ई सी आई है, ई डी आई है और ई एस पी है जी। अब हम समझते हैं इसको। सबसे पहले जीपीआर, जनरल पर्पज रजिस्टर। जनरल पर्पज रजिस्टर क्या काम करता है जी? दिस इज आर कॉल्ड ई ए एक्स, ई ए एक्स, और जैसे देखिए ई ए एक्स, उसके बाद ई बी एक्स, ई बी एक्स, ये ई एक्स के अंदर ई बी एक्स आएगा, ठीक है। ई ए एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स और ई डी एक्स। ई सी एक्स आ गया और ई डी एक्स भी इसके अंदर आ गया और ई बी एक्स, ये यहां पर ई एक्स नहीं है बल्कि ई बी एक्स है, ये यहां पर क्लियर हो गया। ये चार जिसमें हमने पढ़े, ई एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स और ई डी एक्स जी। ये क्या है? जनरल पर्पज रजिस्टर है एंड कैन बी यूज फॉर एनी मैथमेटिकल, जितना भी मैथ्स का काम है वो यहां पर होगा। मैथमेटिकल लॉजिकल क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किए जाएंगे, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व कहां किए जाएंगे? इस 32 बिट के अंदर, जिसके अंदर हल किए जाएंगे। दीज आर यूज फॉर थमेटिक एंड डाटा मूवमेंट पर्पज, डाटा की मूवमेंट हो या थमेटिक काम यहां पर किया जाएगा। ईच कैन बी डिवाइडेड इन टू एन अपर केस एंड लोअर केस, जैसे कि ए एच, इसको डिवाइड कर, अब इसके दो हिस्से कर रहे हैं, ए एच ए एल, बी एच बी एल, सी एच सी एल, डी एच डी एल। ये आप देख रहे हैं, इसके हमने दो हिस्से किए हैं। किसके लिए किए दो हिस्से? ए स्टैंड फॉर अकोमोलेटर, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अकोमोलेटर, ये हमारे क्या कहलाते हैं? अकोमोलेटर। बी फॉर बेस, बी जो है बेस के लिए यूज होता है। यहां पर ए और बेस का सब फर्क बता रहा हूं आपको। ए फॉर अकोमोलेटर, अकोमोलेटर, और बी फॉर बेस जी, और सी फॉर जी काउंट, और डी फॉर डाटा, डी फॉर डाटा। ये इन जस्टिस जो हम मेमोरी में लोकेशन के, इनके काम ही अकोमोलेटर, बेस, काउंट, डाटा, ठीक है जी। ईच ऑफ दीज कैन अल्टरनेटली बी यूज एज वन बाइट, इसको हम एक बाइट भी कह सकते हैं। हर एक को हम एक बाइट के तौर पर, एक बाइट, दो बाइट, आज मिसाल के तौर पर एक बाइट कौन सा होगा? ए एल जो एक बाइट के तौर पर है, और ए एक्स जो है वो दो बाइट के तौर पर है, और ई एक्स जो है वो आपके लिए कितना है? फोर बाइट के लिए है। इसी तरीके से सोन, इसको 16 बिट से लेकर 32 बिट तक इस्तेमाल किया जाता है। ये जनरल पर्पज जिसका स्ट्रक्चर है, ये इस काम के लिए अकोमोलेटर, बेस, काउंट, डाटा, ये इसके नाम से जाहिर है, और इनकी टू, वन, टू, फोर और सिक्स जी। कितना था जी? ई एक्स के अंदर फोर, ये वन के लिए, ये टू के लिए, ये फोर बाइट के लिए यूज किया जाता है। अब हम इसके अकोमोलेटर क्या चीज है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अकोमोलेटर जिससे जो है हमारा ए एच, जिसकी हम बात कर रहे थे, ए एक्स, ए एक्स ये हमारा अकोमोलेटर रजिस्टर है जी, इज यूज फॉर अरिथमेटिक एंड डाटा ऑपरेशन, यही मैंने आपको बताया, अरिथमेटिक एंड, अरिथमेटिक एंड डाटा, अरिथमेटिक एंड डाटा की मूवमेंट के लिए, मैट्रिक एंड डाटा के लिए यूज किया जाता है। अरिथमेटिक एंड डाटा ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, मूवमेंट क्या ले या डाटा की ऑपरेशन के लिए यूज किया। हाँ जी, आगे आ जाए, बी एस, ये वाला सिस्टम है, किसे यूज किया जाता है? अरिथमेटिक एंड डाटा मूवमेंट, ये डाटा ऑपरेशन के लिए, इसको क्लियर कर लें, ये डाटा ऑपरेशन के लिए है। और जो हमारा अगला वाला है बी एक्स वाला, ये डाटा की मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। फिर सी एक्स पे आ जाइए, सी एक्स के लिए यूज किया जाता है काउंटर, जिससे ये काउंटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, एक्ट एज ए काउंटर फॉर रिपीटिंग और लूपिंग। जब कोई लूप चलता है
या काउंट किया जाता है तो सी एक्स यूज किया जाता है, जब मूवमेंट होती है तो बी एक्स वाला यूज किया जाता है, जब ऑपरेशन होता है तो एक्स वाला यूज किया जाता है। आगे है डीएक्स, ये लास्ट वाला डीएक्स। डीएक्स रजिस्टर है स्पेशल रोल इन द डिवीजन एंड मल्टी, जब आपने मल्टीप्लीकेशन करनी होती है डिवीजन तो डीएक्स वाला रजिस्टर यूज किया जाएगा। ये मैं अलहदा से लिख रहा हूं डिवीजन के लिए, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, इसको आप डिवीजन डीएक्स फॉर डिवीजन जी। ये तो थे हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर, जिसे स्टैक पॉइंटर्स भी कहते हैं। ये इस स्टैक पॉइंटर को समझने के लिए हमने जनरल पर्पस रजिस्टर को समझा। ये जनरल स्ट्रक्चर है रजिस्टर का, जहां डाटा स्टोर किया जा रहा है, अकोमोलेट किया जा रहा है, उसको काउंट किया जा रहा है, उसके लिए लूप का काम, डिवीजन का काम, मल्टीप्लीकेशन का काम, ऑपरेशन का काम और सारे काम इस के अंदर यूज की काम हो रहे हैं। ये क्या कहलाते हैं? जनरल पर्पस रजिस्टर्स। अब आगे आइए एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स क्या होते हैं। एड्रेस एंड ये सी टॉपिक का पार्ट चल रहा है, हमने भी एक हिस्सा उसका खत्म किया है, अब नेक्स्ट हिस्से की तरफ चल रहे हैं। एड्रेस एंड सेगमेंट रजिस्टर, एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स, एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स। अब हम इसकी बात करें, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। अब हम गौर कीजिए, अभी हम इसी डायग्राम के अंदर रहेंगे, इसी के अंदर हम समझते जाएंगे अगला। एड्रेस और सेगमेंट के अंदर सी एस डी एस ई एस एस एस, इसके अंदर आपको कहाँ नजर आ रहा है जी? ये हमारी वो डायग्राम जिसके अंदर हमने बनाए थे सी एस डी एस ई एस और एस एस जी। इसके अंदर द सेगमेंट इज यूज एज ए बेस लोकेशन फॉर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डेटा एंड द स्टैक। देखें ये हमारे स्टैक रजिस्टर्स के अंदर सेगमेंट जो हम करते हैं डाटा को, वो क्या करता है जी? हमारे चार रजिस्टर्स के लिए यूज होते हैं, सी एस डी एस ई एस और एस एस। ये चार रजिस्टर जो है हमारे सी एस डी एस ई एस एस एस, ये डाटा को तोड़ने के लिए, उसके टुकड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सेगमेंट द सेगमेंट रजिस्टर्स यूज एज ए बेस लोकेशन, ये उनकी बेस बनाते हैं, ये उन डाटा को जिसको हम तोड़ते हैं उसकी बेस के तौर पर स्टार्टिंग पॉइंट डी एस ई एस 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 के लिए यूज किए जाते हैं। और सी एस, अब सी एस क्या है उसको समझ लीजिए, जो मैं लिखा है इसको सी एस क्या है जी? हमारा कह रहा था कोड सेगमेंट, ये डाटा जो हम बना रहे हैं, डाटा को जो टुकड़े कर रहे हैं उसका कोड है ये, इस डाटा का कोड का सेगमेंट है कि भी इसके अंदर क्या है? जो हमने डाटा तोड़ा है उसके जो ब्रेक्स किए हैं, ये उसका सेगमेंट का क्या कहता है, उसके सेगमेंटिंग करना, उसके ब्रेकिंग करना कहलाता है कोड सेगमेंट। ये काम क्या करता है जी? द सी एस रजिस्टर होल्ड द बेस लोकेशन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन इन द, ये हमारे जितने भी काम होने हैं, जितने भी लोकेशन के अंदर, बेस लोकेशन के अंदर हमने काम करने हैं, एग्जीक्यूट करने हैं, उन सबको संभाल के रखता है कोड सेगमेंट, पहला काम। फिर आ गया ये डीएस, पहला वाले ने डाटा को संभालना है और डीएस ने क्या करना है, डाटा सेगमेंट ने क्या करना है, दिस इज द डिफॉल्ट बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल। जो भी मेमोरी के अंदर लोकेशन में आप चीज डालेंगे, हर दफा मेमोरी वेरिएबल में वैल्यू बदलती रहती है, जब हम एक्वल टू वन, ए टू एक्वल टू टेन, ये डिफरेंट वैल्यू सब पुट करते हैं जिससे आप आंसर निकालते हैं, तो वेरिएबल की जो वैल्यू बदलती है वो डाटा सेगमेंट के अंदर जाएगी। द सीपीयू कैलकुलेट द ऑफसेट ऑफ द वेरिएबल्स यूजिंग द करंट वैल्यू ऑफ द डीएस। ये हर दफा उसकी जो डीएस डाटा सेगमेंट के अंदर वैल्यू चेंज होती है, हर दफा जो चेंज होगी वैल्यू उसको ही काउंट करेगा, क्या कहलाता है, डाटा सेगमेंट। ये क्या कहलाता है, डाटा सेगमेंट। अब इसके अंदर वैल्यूज बदलती रहती है, वेरिएबल की वैल्यू ऑफकोर्स बदलती है, नए क्वेश्चन में नए वेरिएबल, नया लूप, नए चीजें, तो डाटा सेगमेंट उसको हर दफा जो वैल्यू चेंज होगी तो उसको अपने पास सेव, डिफरेंट वैल्यूज को सेव करेगा। उसके बाद है ई एस, एक्स्ट्रा सेगमेंट। ई एस इज एडिशनल बेस लोकेशन फॉर द मेमोरी वेरिएबल, ये एक्स्ट्रा हमने बनाया, जो कि हमें जब एक्स्ट्रा सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे, एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेगमेंट, यानी सेगमेंट का एक्स्ट्रा हिस्सा जो यहां रखा जाता है जी। आगे एस एस, स्टैक सेगमेंट। द एस एस रजिस्टर कंटेन द बेस लोकेशन ऑफ द करंट प्रोग्राम स्टैक। अब मैं इसकी ये क्या करता है जी, जो वक्ती तौर पर इस वक्त जो काम हो रहा है, जो हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम काम, वो उसको एस एस रजिस्टर के अंदर रखा जाता है। इसकी मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे तरतीब से ये काम कर रहे हैं। पहले मैंने आपको रिटर्न फॉर्म में बोर्ड पे एक्सप्लेन किया, अब इसको उसकी डायग्राम के साथ बताऊंगा तो आपको वाजे हो जाएगा कि इसे काम कैसे कर रहे हैं ये।
ये चार जिससे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले है ECS, फिर है DS, फिर है ES और फिर है SS। इसके ये इस तरह से काम करते हैं जी। इसको कोड सेगमेंट का नाम दिया था आपने, जैसे कि आपके सामने है कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्सेस सेगमेंट और SS फॉर स्टैक सेगमेंट। हर एक के पास ईड हैज टू बाइट, हर एक के पास कितनी बाइट्स है, टू बाइट्स है। एवरीवन हैव टू बाइट्स, दिस इज आर कॉल्ड सेगमेंट्स। ये क्या कहलाते हैं, सारे के सारे सेगमेंट्स कहलाते हैं एंड आर यूज इन कंजक्शन विद अदर विद आइदर द आईपी रजिस्टर और टू इंडेक्स रजिस्टर्स। इनको दूसरे रजिस्टर के साथ काम करने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किन दो के साथ इस्तेमाल किया जाता है, आईपी रजिस्टर के साथ और टू इंडेक्स रजिस्टर कौन से हैं, DI एंड SI के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये दो के साथ मिलकर काम करते हैं और CS इज द प्राइमरी रजिस्टर। ये क्या कहलाता है, ये है भी हमारा कौन सा रजिस्टर है, प्राइमरी रजिस्टर भी कहलाता है हमारा, क्योंकि स्टार्ट लेता है, ये हमारा प्राइमरी रजिस्टर कहलाता है। ये आप समझ लें कि हम जो सिविल रजिस्टर पढ़ रहे हैं उसकी उसके अंदर जाकर पार्ट बाय पार्ट जो डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट काम हो रहे हैं उसका एक हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर एक है एड्रेस सेगमेंट, जो एड्रेस सेगमेंट के अंदर जो रजिस्टर काम कर रहा है उसका हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। ये एड्रेस लोकेशन को डिफाइन करते हैं सिर्फ। CS इज द प्राइमरी रजिस्टर ऑफ टू इंडेक्स रजिस्टर्स का, टू इंडेक्स रजिस्टर का क्या हिस्सा है, प्राइमरी हिस्सा है, ठीक है जी। और ये क्या काम करता है, यूज टू फेच इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को लेकर आता है और कहां से, इन द कंजक्शन विद आईपी रजिस्टर के साथ और डीएस, आईपी और डीएस के साथ। ये काम किस तरह करता है, आईपी और डीएस के साथ मिलकर काम करता है। आईपी इज द प्राइमरी रजिस्टर, जो दोनों प्राइमरी रजिस्टर हैं और क्या क्या करते हैं, यूज टू पॉइंट आउट द डेटा इन द कंप्यूटर मेमोरी अलॉन्ग विद द DI एंड SI के साथ ये काम करते हैं। ये इनका मेन काम क्या है, क्या लेकर आना है जी, क्या काम करते हैं कि फेच इंस्ट्रक्शन इन कंजक्शन विद द इंफॉर्मेशन को फेच करके लाना, इंफॉर्मेशन को लेकर आना, ये इनका बेसिक काम है। ये इस तरह से ये हमारे डिफरेंट जिससे जो हमारे CPU के अंदर जिससे काम करे उसको हमने डिस्कस किया। इसका लास्ट पार्ट था सेगमेंट बनाना, उसको सेगमेंट बना के इंफॉर्मेशन को लेकर आना और उसको स्टोर करना, ये इस तरह का काम है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक 5.2.1 और इससे आगे हम चलेंगे तो हमारी अगली बात चलेगी जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम इंस्ट्रक्शंस और फॉर्मेट कैसे बनता है, इंस्ट्रक्शन जाती कैसे है और उसका फॉर्मेट का स्टाइल, कितने बाइट्स की इंफॉर्मेशन जाती है और उसके अंदर क्या क्या एड्रेस होते हैं, किस में डाटा होता है, किसके अंदर लोकेशन कैसे डिफाइन की जाती है, ये सारा अगला टॉपिक हमारा होगा कंप्यूटर ऑपरेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है जी। ये था जी आज तक का हमारा टॉपिक, इसमें रजिस्टर के इंटरनली पार्ट्स को सेपरेट सेपरेट हमने पढ़ा। उम्मीद है टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल था और लेकिन आप इस पर तवज्जो से इसको रिवाइज करेंगे और बोर्ड को सामने रखते हुए, वीडियो को सामने रखते हुए इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त, आप सब बहुत ज़्यादा अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।